नमस्कार जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर सिमट दिया है। बुमराह का पंजा खुल गया है। हर्षित राणा ने 3 विकेटें ले ली हैं और सिराज की 2 विकेटें की 2 विकेटें ही रही। लेकिन यहां पे अच्छी बात ये रही, 46 रनों की भारत ने बढ़त अपने नाम कर ली है, जो कि मिचेल स्टार्क के नाम के खिलाड़ी की वजह से कम हो गई है। नहीं तो ये बढ़त हमें कम से कम 60 या 80 रनों की मिल सकती थी। लेकिन मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने 100 से ज्यादा गेंदे खेली। मिचेल स्टार्क ने अकेले भैया 100 से ऊपर गेंदे तो उसने खुद ही खेली। 112 गेंदे तो मिचेल स्टार्क ने खेली और साथ में आपके जॉस हेजलवुड ने भी 31 गेंदे खेली थी। और ये 26 रन मिचेल स्टार्क हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग किस तरीके की रही होगी कि मिचेल स्टार्क हाईएस्ट स्कोरर बन के निकल कर आ रहे हैं। और मैंने कहा भी था पिछले लाइव में, अभी जब हम 1 घंटा बैठे हुए थे, मैं आधे घंटे से 1 घंटे से कह रहा था कि भाई आउट हो जा, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, आउट होने का नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन ये जरूर बोला था कि हर्षित राणा 3 विकेटें पूरी करेगा और हर्षित राणा ने अपनी 3 विकेटें पूरी करी। आखिरी विकेट उसी के नाम रहा और मिचेल स्टार्क को आखिर हर्षित राणा ने ही आउट करा, जो कि कमाल की गेंदबाजी करी है। शॉर्ट बॉल, कभी हेलमेट पे लग रही है, कभी छाती पे लग रही है, कभी हेलमेट पे लग रही है, बीट हो रहा है। लेकिन उसके बाद फाइनली हर्षित राणा के नाम वो विकेट रही और हवा में गए। ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा और 104 रनों पे 51.2 ओवर में टीम ऑस्ट्रेलिया सिमट चुकी है 104 रनों पे, जो कि अब लंच ब्रेक हो चुका है। लंच ब्रेक हालांकि 10 मिनट पहले हो गया था, मैं आपके साथ थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ, बट कोई नहीं, माफी चाहूंगा। बट आप लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या इंडिया की इस परफॉर्मेंस क्या लग रहा है कि थोड़ा सा आई थिंक लेट हो गया, थोड़ा सा और 60-70 रनों की लीड होनी चाहिए थी हमारे पास यहाँ पे, है ना। 80, क्योंकि जब हम 80 पे बात कर रहे थे कि 80 पे ऑल आउट हो जाए तो भाई मजा ही आ जाता ना, 70 रनों की लीड हो जाती। 80 से हमने कहा था कि 80 पे ऑल आउट होनी चाहिए, 80 करते करते 104 रन बन गए। लेकिन यहाँ पे बुमराह ने तो मजा दिया। बुमराह ने पहली बॉल पे अपने ओवर की विकेट ली, वो सेना कंट्रीज में भाई 7-5 विकेट फॉल हो गया उनका, कपिल देव जी की बराबरी कर लिए 11-5 विकेट फॉल मैच ओवरऑल हो गया उनका। तो कमाल की गेंदबाजी चल रही है बुमराह की तरफ से। जय खान की उन्होंने बराबरी करी, कमाल शानदार गेंदबाजी करी है यहाँ पे बुमराह ने। जिस तरीके से बात करी मैंने, बुमराह क्यों ऑल टाइम ग्रेट है और वो रहेंगे, है ना, वो रहने वाले ऑल टाइम ग्रेट। देखिए जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, 19 से कम का एवरेज बॉलिंग टेस्ट एवरेज, ओके, टेस्ट में बॉलिंग एवरेज उनका 19 से कम है। ऑस्ट्रेलियन के ये 3 दिग्गज जो गेंदबाज है उनसे भी बेहतर बॉलिंग एवरेज लेके बुमराह भाई साहब चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाय द वे 8 मैचेस में 37 विकेटें हैं बुमराह के नाम ऑस्ट्रेलिया, 2-5 विकेट हॉल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक मेलबर्न में और एक आज पर्थ में हो गया। कमाल की गेंदबाजी बुमराह के तरफ से देखने को मिली है और उम्मीद करेंगे कि बुमराह से ऐसी गेंदबाजी देखने को मिले। बाय द वे बुमराह की 150, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं उसमें भी बुमराह नंबर 2 पे आ गए हैं। सिडनी बार्न्स के बाद आई थिंक उनका सबसे बेस्ट एवरेज है बॉलिंग एवरेज, सिडनी बार्न्स का आई थिंक 16 कुछ है और बुमराह हमारे भाई साहब सबसे ऊपर है, है ना। बुमराह भाई साहब हमारे सबसे ऊपर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे जी, बिल्कुल। आप देखिए सिडनी बार्न्स ने 27 मैचेस में 189 विकेटें निकाली थी 16.43 की एवरेज के साथ, और बुमराह उसके बाद सेकंड नंबर पे 41 मैचेस में 177 विकेटें 20.17 का इनका बॉलिंग एवरेज। अब 178 हुई है तो 20 के आसपास का इनका एवरेज चल रहा है टेस्ट में। उसके बाद तीसरे नंबर पर एलन डेविडसन है, जिन्होंने 44 मैचेस में 186 विकेट लिए लेकिन उनका 30.53 का एवरेज है। तो कमाल की गेंद है। मैल्कम मार्शल से ऊपर जसप्रीत बुमराह आपको देखने को मिल रहे हैं। मैल्कम मार्शल का 81 मैचेस में आप देखेंगे 376 विकेट उनके नाम, हालांकि अभी बहुत मैचेस बुमराह को भी खेलने, उनकी एवरेज 20.94 की है और बुमराह इस समय उनसे आगे, हालांकि आधे मैचेस ही खेले बुमराह ने उनके मुकाबले, 41 मैच ही खेले हैं मैल्कम मार्शल ने, 81 मुकाबले खेले थे। लेकिन ग्रेट है भाई ये स्टैट्स, ग्रेट है, बुमराह की लेगेसी रहने वाली है। आने वाले समय में बुमराह आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हीरा है भाई जसप्रीत बुमराह, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हीरा है, वरदान है। जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरीके से ये कप्तानी कर रहा है, जिस तरीके से ये सब कुछ कहीं ना कहीं परफेक्ट होती हुई नजर आ रही है बुमराह के अंडर, आप देखेंगे, है ना। बुमराह ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी और उसी के बदौलत हमें 104 रनों पे रोकने में सफल हो पाए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो इनका 10वां विकेट था ये थोड़ा सा ज्यादा समय ले गया,
बट आप देखिए लो स्कोरिंग मैच में भी अगर आप 150 बनाते हैं पहले इनिंग में, अगर आप 104 रन पे समेट देते हैं सामने वाली टीम को, तो आप खुशी होंगे। आप ये नहीं कहेंगे यार कि हमने खराब गेंदबाजी करी, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। देखिए इनके लास्ट विकेट ने भी 25 रन जोड़े हैं, इनके लास्ट विकेट ने सबसे बड़ी पार्टनरशिप करी है भाई, 110 गेंदें खेली है जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने, और एक 25 रनों की पार्टनरशिप करी है। उससे पहले इनकी हाईएस्ट पार्टनरशिप 14 रन की थी जो ख्वाजा और मैक्सिमिली ने करी थी, तो ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है। हमें 10वीं में हिट मिली भाई, 104 रन बने हैं, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है, कमाल का क्रिकेट देखने को मिला है यहाँ पर्थ में। विकेट हालांकि ये भी नजर आया कि भाई बॉल पुराना होगा, तो यहाँ पे बैटिंग आप आराम से कर सकते हैं। आप स्कोर कार्ड देखिए किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाई है, उठने का नाम ही एलेक्स कैरी 21 रन, केवल दो बल्लेबाज जो 20 रन का आंकड़ा पार कर पाए, एलेक्स कैरी 21 रन और साथ में आपके 26 रन मिचेल स्टार्क, और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी भी आपके मिचेल स्टार्क ही बने। कहीं ना कहीं टीम इंडिया अब 46 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी है, अब यहाँ पे थोड़ा और बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ पे जैसी बॉल पुराना हो रहा है थोड़ा बैटिंग करना आसान हो रहा है। तो केएल राहुल, जयसवाल, पर्टिकल भाई लोग, आप लोगों का क्या काम है कि बॉल को पुराना करना है, कम से कम 30-35 ओवर तक आप तीनों को खेलना पड़ेगा, विकेट पे रहना पड़ेगा। अगर आपने बॉल पुराना कर दिया तो अभी भी विकेट पे आप रन बना सकते हैं। मिचेल स्टार्क ने सिखा दिया भाई, 110-12 गेंदें खेली ना उसने, 110-12 गेंदें खेली हैं, तो उसी तरीके से आपको भी खेलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को अभी भी हल्के में मत लीजिए। ऑस्ट्रेलिया विन बाई 4 विकेट, सुमन भट्टा क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये अभी भी वही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि इंडिया यहाँ से मुकाबला हारना नहीं चाहिए, इंडिया को यहाँ से इस मुकाबले में और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अभी भी इंडिया ड्राइविंग सीट पे है 46 रनों की बढ़त लेने के साथ, क्योंकि आप देखिए 150 का मैच, उसमें से 46 रनों की बढ़त मिल रही है, तो बहुत ही शानदार है भाई, बहुत शानदार है। आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बैटिंग में तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बॉलिंग तो आपकी खराब, बैटिंग तो आपकी खराब ही रही है, नीतीश रेड्डी और अगर ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए, केएल राहुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब बैटिंग आपको करनी पड़ेगी। 5 विकेट आप देखिए बुमराह के नाम है, 2 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम है और 3 विकेट आपके हर्षित राणा, तो यहाँ पे 10 की 10 विकेट हमारे फास्ट बॉलर्स ने निकाली। नीतीश रेड्डी 3 ओवर 4 रन दिए, हालांकि उतने असरदार नहीं दिखे, वॉशिंगटन सुंदर को 2 ओवर के लिए लेके आए, काम हो गया। देखिए ये थोड़ा सा पहले आई थिंक मेरे को लग रहा नीतीश रेड्डी की जगह वॉशिंगटन को ही लेके आना चाहिए था, और एक तरफ से आप लगा के रखते हर्षित राणा, तब मजा आता, बट ठीक है वो रेस्ट भी चाहिए था, है ना, रेस्ट भी चाहिए था, तो नीतीश रेड्डी ने उस तरीके की 3-4 ओवर डाले, तो वहाँ पे थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा को रेस्ट भी मिल गया, वो कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, बट थोड़ा सा आई थिंक आखिरी विकेट ने परेशान करा यहाँ पे हमें, बट कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है अब यहाँ से मैच किसकी तरफ जाएगा? अब देखिए अभी भी इंडिया तो आगे है भाई, मैं तो कहूंगा 70-30 इंडिया, 70-30 इंडिया यहाँ पे, क्योंकि बॉल में अभी भी हरकतें, नया बॉल किस तरीके से इंडियन बैट्समैन खेलते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, है ना, इंडियन बैट्समैन किस तरीके से खेलते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो सब देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीम इंडिया आपको बैटिंग बहुत बेस्ट करनी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा, हर बैट्समैन को अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो जो एक टोटल सोच पा रहे होंगे कि भैया हम यहाँ पे वो टोटल बना लें, तो वो करना पड़ेगा कि आपको कम से कम यहाँ पे 300 के आसपास देखना पड़ेगा टोटल, है ना, टारगेट, क्योंकि आप दूसरा दिन ही है, आराम से खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंचुरी वेंचुरी लगाइए यार, क्या कर रहे हैं। बाकी आप देखिए जस्टिन लैंगर का ये स्टेटमेंट कोई भूल नहीं सकता, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वालों को तो भूलना ही नहीं चाहिए कि नेवर एवर अंडरएस्टिमेट इंडियंस, भाई इंडिया वालों को कभी हल्के में मत लेना, पहले ही बता दिया था वो पिछले दौरे पे ही बता दिया था, पिछले, है ना, जस्टिन लैंगर ने तभी कह दिया था भाई इनको हल्के में मत ले, और वो देख लो हल्के में लेने का क्या खर्च हुआ, क्योंकि सब सोच रहे थे 3-0 से हारे हैं, 3-0 से ये न्यूजीलैंड अपने घर में हार कर आ रहे हैं, तो यहाँ भी इनका यही हाल होगा, बट भाई ऐसा नहीं होता, वही है ना, शेर जब घायल होता तो और खतरनाक हो जाता। इंडिया जीतेगी, दशु कौर कह रहे हैं कि भाई इंडिया मैच जीतेगी, चाहे एक विकेट से ही जीते लेकिन इंडिया मैच ही जीतेगी है, बिल्कुल आप देखिए लास्ट
चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है और चौथी इनिंग में यहाँ बैटिंग करना और डिफिकल्ट होगा। पहली और दूसरी इनिंग में हमने देखा तो अभी चौथी इनिंग में और खतरनाक हो जाएगी विकेट। बट ये कि अभी क्योंकि दूसरा ही दिन है, तीसरे दिन दूसरे तीसरे दिन थोड़ी बैटिंग यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे रन बन सकते हैं एक बार बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए इस विकेट पे, क्योंकि खास थोड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं नया बॉल है तो वो थोड़ा सीम कर रहा है आपको, है ना। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा सीम खराब होगा, मतलब जो बॉल का सीम है वो जब दबाएगा तो बैटिंग यहाँ पे आपको आसान बन जाएगी, थोड़ा बैट आप टिक सकते हैं, बैट चला सकते हैं आप। तो वो जरूरी है कि बॉल को 25-30 ओवर पुराना किया जाए, विकेट का समय बिताया जाए, कोई दिक्कत नहीं है 50 बॉलों पे अगर दो रन भी बन रहे हैं मानस नभुशेन की तरह, लेकिन ये कि फिर विकेट नहीं देनी है 50 बॉलों के बाद। मिचेल स्टार्क की तरह खेल ली है तो वो वाला अगर काम हो जाता है तो टीम इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छी पोजिशन में पहुंच जाएगी, क्योंकि आपके पास बैट्समैन, देखिए बैट्समैनों की कमी नहीं आपके पास, आपने एकदम 8वें नंबर तक बैटिंग ले रखी है भाई, आपको कमी नहीं है किसी चीज की, बैट्समैनों की कमी नहीं है। 8वें नंबर पे आपके नितिश रेड्डी आ रहे हैं जो कि 41 रन हाईएस्ट स्कोर है, इस विकेट पे सबसे बेस्ट बैटिंग करी उसने। तो आपको बस शुरुआत ही टॉप ऑर्डर को थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान बना देंगे बाकी के बैट्समैनों के लिए, जो मिडल ऑर्डर जाएंगे ऋषभ पंत हो गए, फिर वो और खुल के खेल पाएगा ऋषभ पंत, है ना भाई। जीतेगी इंडिया के पहले 25 ओवर क्रूशियल है, बहुत 100-150 भी बने 4 विकेट पे तो भी, हाँ आई थिंक पहले 25 ओवर में मैं चाहूंगा अगर 60-70 भी बने मेरे को कोई हर्ज नहीं है, 50 रन भी बने कोई हर्ज नहीं है 25, लेकिन विकेट मेरे को एक से ज्यादा नहीं चाहिए वो है, क्योंकि 4 विकेट आ गई ना, मतलब आप सोच रहे हो 25 ओवर में 100-150 फिर वो 200 बार भी ये भी है, लेकिन आप वो फिर गेम खराब हो जाएगी, आपको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि उधर हेजलवुड है भाई, उससे तो मेरे को बहुत डर लगता है जब वो बॉलिंग करने आता है, मैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स से उतना नहीं डरता जितना हेजलवुड से डरता हूं। सही है, संदीप चौहान कह रहे 5-0 इंडिया सीरीज के भाई, बहुत जल्दबाजी होगी, इतना आसान नहीं होने वाला 5-0 इंडिया में, क्योंकि ये बस पर्थ वाला टेस्ट है भाई, अभी और टेस्ट आने बाकी हैं तो नहीं नहीं अभी अभी पहला मुकाबला ही देख के तो मैं ये नहीं कह सकता, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा भाई, इतनी जल्दी आप ये निर्णय नहीं ले सकते इतनी जल्दी, लगातार तीसरी बार फाइनल खेले और इस बार हमें वो ट्रॉफी चाहिए हाथ में, इंडिया ही जीतेगा भाई बिल्कुल सही है, जब सोचना है तो बड़ा ही सोच लिया, सही बात है भाई, सोच पे किसका ही कंट्रोल है, सोचना है तो बड़ा ही सोचो, बट ये अच्छी बात, सोचो तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचना चाहिए तभी आप उसके लिए काम करते हो उतना, और इंडिया कर रही है, इंडिया को चाहिए कि भाई 4-0, 4-1 या फिर 5-0 से हमें विन करना है तभी हम जाके WTC फाइनल खेलेंगे, तो टीम इंडिया उस तरीके की क्रिकेट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में अभी, है ना, टीम इंडिया उसी तरीके की अभी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है, तो जो कि अच्छी बात है, इंडिया बस इसी तरीके से खेले कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो रोहित शर्मा शुभमन गिल आएंगे तो थोड़ी बैटिंग और मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस बैटिंग में दिख रहा है देवदत्त पड्डीकल, है ना, ध्रुव जुरेल, ऊपर जायसवाल, तो ये तीनों क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उतना नहीं खेले हैं, शुभमन गिल ने तो पिछला दौरा खेला भी है, यहाँ पे उन्होंने 90 करे भी है, है ना, तो उनको अनुभव है, तो कहीं ना कहीं जब शुभमन गिल आएंगे, रोहित शर्मा आएंगे, तो कहीं ना कहीं टीम और थोड़ा बैटिंग यूनिट और मजबूत हो जाएगा, और फिर हम रोहित शर्मा को तो जानते हैं भाई, जिस तरीके से उनकी पुल शॉट वगैरह यहाँ पे, तो भाई फिर वो कहर बरपा देगा। हर्षित को डर है कि स्टार्क बाउंस, भाई उसने बोला, हाँ हर्षित वाली बात बता दो ना, हर्षित को माइक स्टंप पे उसने बोला मिचेल स्टार्क ने कि आई विल बॉल फास्टर देन यू, तो भाई संभल के, है ना, वो याद दिला रहा था भाई, मैंने कहा भाई दिला ले, बैटिंग ही नहीं आएगी हर्षित राणा की तब तक, है ना, आई बोल फास्टर देन यू, आई हैव गॉट अ लॉन्ग मेमोरी, याद रहता भाई मेरे को, याद रखूंगा, वो यही कह रहा था कि मैं याद रखूंगा हर्षित जो तू मेरे साथ कर रहा है, टीममेट से वो अपनी बैंटर चलती रहती है यार, ठीक है उतना। 25 ओवर में 60-70 आएंगे चलेगा, अनूप रावत का कॉमेंट ले लेते हैं, ये देखो हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क ने जो हर्षित राणा को बोला था ये आप देख सकते हैं,
कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, तब तक 25 ओवर में 60-70 पे आएगा चलेगा, बट 150 पे 4 स्कोर आ गया बस मैं तो भी चलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 200 की लीड होगी, 300 तक होगी तो बहुत टफ है यहाँ पहुंचे। बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ तो बॉल 40 ओवर के बाद भी ठीक ठाक सीम हो रहा है, तो बिल्कुल कोकोबुरा का बॉल थोड़ा सीम होता रहता है और विकेट भी क्योंकि खास भी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा है तो वो देखने को मिल रहा है। बट आप देखें कि सही बात है अगर 150 लेकिन 150 पे 4 है और फिर वहाँ 40-40 की लीड है बिल्कुल, तो वही कुल मिला के मेरा मानना है कि 300 से ऊपर का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिलना चाहिए, वो वाली बात है 275 से तो ऊपर मिलना चाहिए। अब मुश्किल है वो भी खेलने आए और हम वो मैं उनका यार, बिल्कुल सही बात है अनूप रावत। 5-0 तो नहीं होगा, मैच कितने बजे बस अभी स्टार्ट होने वाला है, 10:30 बजे बैट्समैन आ गए क्रीज पर आने वाले हैं, जयसवाल और केएल राहुल आपके बैटिंग के लिए आ रहे हैं, इसके बाद आपका मुकाबला शुरू होगा। बैटिंग उम्मीद करेंगे पहले विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप हो जयसवाल, क्योंकि जयसवाल के अंदर वो भूख दिखती है भाई। जयसवाल थोड़ा सा पहली मैच में वो गलती कर गया है क्योंकि बॉलर्स ने अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखा है, जो मैंने अभी मैच में देखा अभी तक पहली इनिंग में कि बॉलर्स अपनी गलतियों से सीख रहे थे, हर्षित राणा जब चौके लग रहा था अगले ओवर में वो अपनी गलतियों को सुधार रहा था, तो बैट्समैनों को की पहली इनिंग में जो गलती हो गई है जैसे जयसवाल ने बैट आगे फेंक दिया था है ना, वो नहीं करना है, बाहर की बॉल को नहीं छेड़ना है, कौन सी लेंथ को किस तरीके से खेलना है वो थोड़ा देख समझ के खेले, तो भाई इस पे रन बन जाएंगे, इस पे रन बनेंगे, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है बस और कुछ नहीं करना, आपको आपको पेशेंस अपने लिए रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। दर्शन कोयराला बोल रहे हैं कि इंडिया की सेकेंड इनिंग शुरू होने वाला है बिल्कुल थोड़ी देर में 2 मिनट में ना, उसके बाद अब देखना होगा कि भारत कितना बड़ा स्कोर करता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब बैटिंग लाइनअप का पूरा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा रखना है भाई, यही तो इंडियन टीम को सपोर्ट की जरूरत है, पहली बारी में 150 रन अब उससे ज्यादा बनाने हैं भाई, यहाँ पे इसमें आप 250 बनाने हैं, 250-300 बनाने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड का रिवेंज ऑस्ट्रेलिया से लेगा ये वाला, तो इंडिया सेकंड इनिंग्स में 1-2 विकेट जल्दी देगा फिर परफॉर्मेंस आएंगे इंडिया की तरफ से, बाकी बॉलिंग पर तो पूरा भरोसा है, बॉलिंग पर तो पूरा भरोसा है संदीप चौहान, बिल्कुल सही बात बोलिए क्योंकि कप्तान जब सीना कान चलता है ना भाई, अब बुमराह अति चौड़े कर दिया भाई क्योंकि 150 रनों के बाद हमारी शक्लें ऐसी होगी दिक्कत यार, ये क्या हुआ है 150, क्योंकि पहली इनिंग का एवरेज उसको 457 है और हम ऐसे बैठे हुए यार ये क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन जब बुमराह ने बॉल डाला भाई मैच सीधा यू हो गया, ये उन्हें बात था भाई ना गेम में बात, अब मजा आएगा, अब आ जाओ कौन सा आएगा, रवि सेट आएगा आ जा, बजाएगा आ जा, स्मिथ आएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा टेस्ट बैट्समैन, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं पहली बॉल पे भेज देंगे, वो फिर देखने में फिर जाके कहीं ना कहीं वो एनर्जी आई है, ये तो भाई सुबह देख के तो मैच मतलब एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी, लेकिन फिर जब बॉलिंग आई मजा आ गया भाई, मैं कह रहा हूँ जो कल लेट सो के उठे होंगे ना उनको बहुत मजा आया होगा, हम जो सुबह सुबह उठ गए 6 बजे ही, तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ भाई हमारे 1-2 घंटे वो गए हैं बेकार, जब तक इंडिया की बैटिंग चली हम रो ही रहे थे, लेकिन जो इंडिया की बैटिंग के बाद उठा है अच्छा ठीक है 150 कोई बात नहीं, लेकिन जब बॉलिंग देखी अब भाई साहब क्या खुशी लहर उठी थी वहां पे, न्यूजीलैंड भी तो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है तो बदला तो ले ही सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले न्यूजीलैंड से ले बात एक ही है, न्यूजीलैंड से भी लेना है भाई, न्यूजीलैंड को भी उसके घर में जाके रौंदना है, जब उसके घर में सीरीज होगी तो वहां रौंदना है भाई, दुख तो बहुत हुआ है मेरे को क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा उस टीम के पार्ट है, उसमें आप 3-0 से हार जाए अपने घर में, बुमराह भी उस टीम का पार्ट हो भाई, अश्विन भी हो जडेजा भी हो भाई, ये 5-6 प्लेयर अपने मतलब तगड़े प्लेयर है, उनके रहते हुए घर में 3-0 से हार जाना मतलब बहुत शर्मनाकता बहुत शर्मनाकता भाई। इंडिया के लिए इस वक्त स्ट्रेटेजिक बैटिंग जरूरी है, कम से कम 350 रन का टारगेट सेट करना होगा, जो पिच की हालत और मैच के प्रोग्रेशन को देखते हुए कॉम्पिटिटिव होगा, टॉप ऑर्डर को स्टेबिलिटी देनी होगी और मिडल ऑर्डर को एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात बोली है दर्शन भैया की, टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा 45 रन की भी ये पार्टनरशिप करते ना यार तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इस विकेट पे बहुत भाई, अभी तो 40-45 की तो हुई नहीं, 48 रहे आई थिंक नीतीश रेड्डी और अपने पंत ने करी थी हाईएस्ट पार्टनरशिप इस विकेट पे, 48 रन की पार्टनरशिप है इस विकेट पे, दोनों इनिंग को मिला के 48 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप है रेड्डी और पंत के बीच में, तो भाई वो पहले विकेट के लिए कॉन्फिडेंस देगा अगर आप थोड़ा शुरुआत अच्छे से कर ले,
वही ना टेल हमारी थोड़ा सा जैसे मिचेल स्टार्क 26 रन बना गया, हमारी भी टेल उस तरीके से ऐड करे तो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे तो मजा आएगा। ये तो है इनकी यही है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये थोड़ी सी है कि भाई इनका पैट कमिंस भी बैट कर लेता है, इनका मिचेल स्टार्क भी बैट कर लेता है और बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि ये बस चलाते हैं, ये बॉल को भी रोक लेंगे। आप 112 बॉलें खेली उसने, बुमराह जिस फॉर्म में चल रहा है उसकी बॉल 112 में होंगी, है ना। हर्षित राणा की बॉलें हैं, डीएसपी सिराज की है भाई, अच्छी बैटिंग करी उसने, नो डाउट। देखते हैं पहला ओवर कौन डालता है, मिचेल स्टार्क ही आएगा। खैर पिछले मैच में तो बड़ी जल्दी सेट हो गया था, दूसरे ओवर में ही विकेटें निकाल दी थी उसने, इस बार देखते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा ना, ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि भाई फटाफट इसमें आउट किया जाए। ऑस्ट्रेलिया भी रुकेगा नहीं, मैच कब स्टार्ट होगा केशव गोरख कह रहे कि मैच स्टार्ट हो गया बॉस, बस पहला बॉल डालने वाला है, पहला बॉल डालने वाला है, मैच स्टार्ट हो रहा है, टेंशन ना ले। मैच बस शुरू होने वाला है। जायसवाल भाई 14 से ज्यादा रन है यहाँ पे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में दम दिखाओ। पांच मैच मिले आपको, इन पांचों मैचों में तोड़ना है भाई, क्योंकि वेस्ट इंडीज अपने घर में तो आपने दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये सेना कंट्रीज असली टेस्ट बैट्समैन का यही है, यहाँ आपने रन बना दिए तो भाई फिर फैंस यहाँ पे रखेंगे, वैसे ही बैट्समैनों को एकदम सर पे चढ़ा के रखते हैं हम लोग, है ना। तो बस वही करने की जरूरत है। तो बुमराह जितनी मैच विनिंग स्पेल जितना उसने डाला है ना, अगर कोई बैट्समैन कर देता ना अभी तक इन 5-6 सालों में, उस बैट्समैन को हम पता नहीं क्या बना चुके होते। अभी जायसवाल और गिल को ही देख लो, अभी इनको जुम्मा 3-4 साल हुए हैं इंटरनेशनल करियर बनाए हुए, है ना। गिल वगैरह 2019 से ही आया है, देख लो उसको हम कहाँ चढ़ा के बैठे हुए हैं अभी से। लेकिन हमारा बुमराह 2016 से घिस रहे हैं भाई, अभी अब जाके उनको वो थोड़ा सा इज्जत रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई है बुमराह को अब जाके, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि भाई बैट्समैन ही मैच नहीं जीता था। बुमराह ना हो तो पता नहीं कितने मैचेस हम पानी पी रहे होते, कितने मैचेस में। मैच स्टार्ट हो गया, स्टार्क बॉल डाल रहा है बढ़िया। जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आ चुके हैं, 3 नंबर पे पंडिकल, 4 नंबर पे विराट कोहली, फिर ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब आएंगे, देखते हैं कैसा रहता है उसके बाद। अब सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा, सही कह रहे हैं यार, क्योंकि बुमराह को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिली नहीं अभी तक, अभी भी कम मिल रही है, जो अभी भी मिल रही है आई थिंक कम मिल रही है भाई, अभी भी बुमराह को जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो कम मिल रही है, उससे ज्यादा मिलनी चाहिए, 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी मिलनी चाहिए भाई बुमराह को। मेबी सुदर्शन भी अच्छा ऑप्शन था, हाँ सुदर्शन था, ऋतुराज गायकवाड़ था, बट उन्हें भेज दिया, उन्हें देवदत्त पटिकल को लेना था, देवदत्त पटिकल को उन्होंने लिया, रियान पराग हमारे शहर का है, अरे क्या बात है, बड़ा अच्छा, अभी तो अच्छा चल रहा है रियान पराग का, बढ़िया T20 में तो शानदार चल रहा है भाई का। केएल राहुल पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेले थे, अब देखना इस इनिंग में उसका बदला लेना भाई, वो पूरी कसर पूरी करनी है इस इनिंग में, देखना भाई इस इनिंग में वो कसर पूरी करनी है, है ना। इस इनिंग में अगर केएल राहुल 50 कर देते तो भाई मजा आ जाएगा। केएल राहुल भी यार बहुत स्ट्रगल कर रहा है बंदा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके 50 नहीं हुए तो ये पता नहीं अगला मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो भी बहुत टाइसी सही है, बाहर किसको करना है। ध्रुव जुरेल और पर्टिकल तो चलो है, पर्टिकल का तो नंबर लगना ही लगना है, लेकिन अब कॉम्पिटिशन ध्रुव जुरेल और फिर केएल राहुल में है सेकंड पोजिशन के लिए, 2 विकेट के चक्कर पे यार रिहान भाई 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 2 विकेट के चक्कर पे ठीक है, अच्छा खेला। लेकिन केएल राहुल का मेरे को बैटिंग स्टाइल अब बहुत शानदार लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत अच्छे से खेल रहा है, क्रीज के अंदर रह के खेल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप क्रीज के बाहर रह के नहीं खेल पाओगे क्रीज के अंदर, क्योंकि विराट कोहली ने भी वही गलती करी थी, जो एक्सपर्ट्स भी थे वो यही कह रहे थे भाई क्रीज के अंदर, क्योंकि बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया में जितना बैकफुट पे खेलेंगे उतना बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर शॉर्ट लेंथ की बॉल डालते हैं, है ना। अगर आप वैसे क्रीज के बाहर हो तो फिर गुड लेंथ बन जाता है, गुड लेंथ परेशान करता है, यहाँ पे बैक ऑफ द बैक मतलब
बैक फुट पे खेलोगे तो फिर वो ज्यादा, आप देखिए पहली दो बॉलें जिस तरीके से खेली है बहुत अच्छा, पेशेंस एंड फोकस के साथ खेलते हैं, सॉलिड फाउंडेशन देना होगा अगर वो लंबे टाइम तक टिके हैं और बड़े पार्टनरशिप बनाते हैं तो बिग सेंटर है। हाँ मोमेंटम अच्छा केएल राहुल वो दिला देगा मेरे को लग रहा है, केएल राहुल क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा है भाई इस पे, बैटिंग कर रहा है इसको खुद के क्लास पे, इसको खुद के स्किल्स पे वो कॉन्फिडेंस तो है, वो खेल लेगा और वो भाई संकट मोचन ही बने हुए हैं केएल राहुल भी, जहाँ मर्जी पहुंचा दो इन्हें है ना, एक से लेके 10 नंबर जहां बैटिंग करवानी हो करवाओ, तो केएल राहुल तो वो हो गया है, जब मर्जी बुलाओ जब मर्जी बाहर कर दो। खैर दो ओवर हो गए, दो ओवर तक अभी तक तो कोई बुरा नहीं हुआ, कल भी हालांकि शुरुआत पे तीसरे ओवर में ही विकेट गिरा था मिचेल स्टार्क जब आया था, उम्मीद करेंगे विकेट ना गिरे, जायसवाल यहाँ पे थोड़ा संभल के खेले, बाकी तो देखते हैं क्या होता है ना। ऋषभ पंत जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैट करने से पूरा शॉट मारा था भाई, मतलब पंत तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, वो बेशक 10 रन की पारी खेले लेकिन उसमें एक छक्का वैसा उसको मारना ही मारना है, उसको पता नहीं क्या अंदर से कीड़ा बन जाता है कि नहीं मेरे को वो शॉट खेलना ही खेलना है। यार आशिक बाबू मैच कैसे दिखा दिया आपको, लोग कुछ भी कहते हैं खेल रहे एक खतरनाक टेक्निक है, अच्छा क्लासिक बैट्समैन तो है बट ये है कि अपनी जगह यार देखो अभी भी इसको 6-7 मतलब 10 साल हो गए तब लगभग इंडियन टीम में होने वाले, इतने सालों से ये खेल रहा है लेकिन अभी तक इतने जगह परमानेंट नहीं करी, जिस हिसाब का ये बैट्समैन है इसमें तो किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा पे कोई उंगली नहीं उठाता कि भाई इनको बाहर कर दो या इनको बाहर कर दो, वैसे इसको क्लियर होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को देखो है ना, ये अब ऐसे इन्होंने इतने कम समय में अपनी वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश कर ली है, कहीं ना कहीं वो केएल राहुल कर नहीं पाया अभी तक, उस पर उंगलियाँ उठती हैं, तो वो थोड़ा सा उसके लिए है कि भाई ऐसा परफॉर्मेंस दे दे वो 2-3-4-5 सीरीज लगातार कि भाई उसके बाद कोई बोलेगा केएल राहुल तो खेलने भाई उसके बारे में सोचो किसी और के बारे में सोचो, वो नहीं हो पाता केएल राहुल के साथ, वो दिक्कतें थोड़ी ज्यादा है भाई, एक मैच जब वो देखेगा कि 10-12 इनिंग हो गई है अब तलवार लड़की पड़ी है कि भाई अब बाहर हो सकते तब जाके वो कर देगा, उससे नहीं होता आपको, फिर वो लगातार हर दूसरे तीसरे मैच में परफॉर्म करना पड़ता है भाई, मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ती है, मैच विनिंग नहीं तो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलनी तो बहुत जरूरी होती है, वो कहीं ना कहीं केएल राहुल से मिसिंग है ना। तो चलिए देखते हैं कहां तक इंडिया पहुंचती है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन बताइएगा कि इंडिया इस इनिंग में कितना स्कोर करने वाली है, पहली इनिंग में तो 150 बने थे, इस इनिंग में टीम इंडिया कितना स्कोर करने वाली है, हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए फटाफट सब्सक्राइब करिए, केशव बोरा मैच दिखाओ या मैच नहीं दिखा सकते तो थोड़ी सी कॉपीराइट का इशू होता है भाई, वो नहीं कर पाएंगे हम, बातचीत करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करिए बढ़िया से अपनी राय रखिए, ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं साथ में, मजा आता है बातचीत करने में, जैसे देखिए दर्शन वगैरह आते हैं बात बढ़िया एकदम अपने ओपिनियन देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो भी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं और उस तरीके का होना रहता है कि आप लोगों से बातचीत किया जाए, आप लोगों से बातचीत करके देखा आप लोगों की क्या सोच चल रही है मैच को लेंगे क्रिकेट को लेंगे, वो सब मैच तो यार मुश्किल है। चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं, उसके बाद आपसे अब टी ब्रेक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टीम इंडिया को सपोर्ट तो करते ही रहना, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे टी ब्रेक में।